अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मियां तलहा नेटवर्क एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको की जो लेटेस्ट डिवाइस पोको F4 5G जो है वो ग्लोबल मार्केट में जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका डिज़ाइन वगैरह और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आपको क्या क्या मिलेगा और इसकी प्राइस वगैरह क्या होगी, मैं आगे चलकर वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमें जाकर इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें। तो शोमी के जो सब ब्रांड है पोको की तरफ से जो है वो रिसेंटली जो है ग्लोबल मार्केट और इंडिया में जो है पोको F4 5G के नाम से जो है डिवाइस लॉन्च कर दी गई है और ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है और पाकिस्तान में भी ये डिवाइस जो है वो एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगी और इसमें बहुत ही मज़े की स्पेसिफिकेशन आपको मिलती हैं। कुछ हम अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, प्राइस की बात हम एंड पे करेंगे। अगर इसमें कुछ हम इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इसका प्रोसेसर आ जाता है। प्रोसेसर इसमें जो है वो 8770 स्नैपड्रैगन का यूज़ किया गया है और उसके अलावा अगर हम इसके कुछ डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सैमसंग का E4 एमोलेड डिस्प्ले 120Hz 1080p डिस्प्ले जो है आपको एमोलेड के साथ 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट भी इधर मिल रहा है। तो बहुत कमाल का स्मूथ डिस्प्ले होगा इसका। उसके अलावा अगर हम इसके बैक कैमरा की बात करें तो 64MP आपको जो है इसका बैक कैमरा मिल रहा है इधर, और उसके अलावा इसमें काफ़ी जो है OIS फीचर भी है और भी काफ़ी कैमरा में आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। बैक में 3 कैमराज हैं तो मेन कैमरा का इधर बताया गया कि 64MP आपको मिलेगा। उसके अलावा इसके बाद के में हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी आपको 4500 mAh की मिलेगी जिसमें 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। तो 4500 mAh के साथ 67W 67W की आपको जो है वो फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है। उसके अलावा इसमें डुअल स्पीकर है और अगर हम इसके कुछ डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो है इसका कुछ 6.67 inches का जो है इसका डिस्प्ले होगा और कैमरा डिपार्टमेंट में जो है ये काफ़ी जो है डिवाइस अच्छी होने वाली है। इसमें 2 सेंसर यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा मेन कैमरा आपको मैंने बता दिया कि 64MP का होगा और उसके अलावा ये इसका एक OIS फीचर है जो फर्स्ट OIS एवर ऑन पोको स्मार्टफोन। पोको स्मार्टफोन में ये OIS फीचर जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है। अगर आपको OIS फीचर का नहीं पता जो आप जाकर नेट पर सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ OIS फीचर, तो आपको उधर डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अगर मैं OIS फीचर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस पर मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप खुद भी जाकर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ OIS फीचर इन कैमराज। तो उसके अलावा जो है शोमी ने जो है इसके एक दो हाईलाइट फीचर जो है इधर मेंशन किए हैं जिसमें ये बताया है कि शोमी का जो ये मोबाइल आपको कुछ 38 मिनट में 100% चार्ज मिल जाएगा। पोको F3 जो सिंपल डिवाइस थी उसमें 4520 mAh बैटरी के साथ 33W चार्जिंग थी तो वो कुछ 52 मिनट में फुल चार्ज करता था और अब पोको F4 5G में आपको 67W चार्जिंग मिल रही है टर्बो चार्जिंग, तो ये 38 मिनट में जो है आपके डिवाइस को फुल चार्ज कर देगा। उसके अलावा 120Hz सैमसंग का E4 पैनल यूज़ किया गया है जो काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम कुछ इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो फ्रंट से कुछ डिज़ाइन आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, बैक पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन होगा जिसमें 3 कैमराज यूज़ किए गए हैं और 64 OIS को मेंशन किया गया है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप कुछ इस तरह का आपको बैक से न्यू लुक मिलेगी। पोको हमेशा अपने मोबाइल की लुक न्यू लेके आता है। और उसके अलावा ऊपर वाली साइड की बात करें तो ऊपर आपको एक स्पीकर मिल रहा है, उसके अलावा नॉइस कैंसलेशन मिल रही है और उसके अलावा AI ब्लास्टर मिल रहा है और नीचे भी बात करें तो नीचे एक स्पीकर मिल रहा है और उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट मिल रही है और सिम जो है वो सिम इंजेक्टर भी इधर आपको जो है सिम ट्रे जो है वो नीचे वाली साइड पर मिलेगी और साथ एक माइक दिया गया है और साइड्स जो हैं दोनों साइड फ्लैट हैं, ठीक है। और एक साइड पर जो है वो आपको वॉल्यूम आपको डाउन का बटन मिलेगा और जो है ये इक्विपमेंट इसमें यूज़ किया गया है और फ्रंट साइड पे आपको जो है वो सेंटर कैमरा मिलेगा, सेंटर पंच होल कैमरा मिलेगा और इसमें आपको इधर 2 कलर बताएंगे, एक ब्लैक और एक ग्रे। और अगर कुछ इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो ग्लास फ्रंट में जो है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है और उसके अलावा जो है आपको काफ़ी और अदर फीचर्स भी मिल रहे हैं और फ्रंट कैमरा आपको इधर 20MP का देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं जो इधर मेंशन किए गए हैं शोमी ने अपनी वेबसाइट पर। तो अगर हम इसकी कुछ प्राइस की बात करें तो इंडिया में जो है वो इसकी प्राइस जो है सबसे पहले इंडिया और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है तो इंडिया में इसकी प्राइस कुछ रखी गई है 24,000। अगर 24,000 को PKR में चेंज करें तो कुछ 64,000-65,000 के अराउंड ये प्राइस बनती है। तो हम कह सकते हैं कि 6GB 128GB वेरियंट जो है वो पाकिस्तान में 65,000-67,000 के दरमियान इसकी प्राइस रखी जाएगी। और अगर हम इसके अप वेरियंट की बात करें 8GB 128GB की तो इंडिया में कुछ ये 26,000 में होगा
होगा और पाकिस्तान में अगर इसको चेंज करें तो कुछ 70,000-69,000 बनता है। तो पाकिस्तान में ये टैक्सेस लगने के बाद कुछ 71,000-72,000 में 8GB 128GB वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो 6GB 128GB वेरिएंट 65,000-67,000 और 8GB 128GB 69,000-71,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। और 12GB 256GB जो है 12GB 256GB इंडिया में 30,000 है। तो पाकिस्तान में कुछ इसकी कीमत बनती है 76-78 के राउंड। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है डिवाइस पाकिस्तान में जो है 12GB 256GB के साथ लॉन्च होगी। पाकिस्तान में सिर्फ दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB 128GB और 8GB 128GB। तो ये हाईलाइट फीचर्स थे पोको F4 के जो मैंने आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दिए और आपको प्राइस भी बता दी और क्या क्या आपको इसमें मिल रहा है वो हर चीज़ आपको क्लियर कर दी और डिज़ाइन भी क्लियर कर दिया। अब ये लॉन्च कब होगा, ये ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में जो है अब सेल के लिए अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी जो है वो एक या दो दिन में ये अवेलेबल हो जाएगा। और प्राइस क्या होगी वो मैंने आपको हर चीज़ वीडियो में क्लियर कर दी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को मेरे को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मौजूद है। और हमारा शोमी का फेसबुक का और टेलीग्राम का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।